खबर गाटरवारा की, जहां ग्राम सगोरिया में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंडित वीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि भगवान को अपना परिवार मानकर उनकी लीलाओं में रमना चाहिए। गोविंद के गीत गाए बिना शांति नहीं मिलेगी, जितना भजन करोगे उतनी ही शांति मिलेगी। संतों का सानिध्य हृदय में भगवान को बसा देता है, क्योंकि कथाएं सुनने से चित्त पिघल जाता है और पिघला चित्त ही भगवान को बसा सकता है। और श्री राम कथा, वैसे तो राम कथा और भागवत कथा में कृष्ण चरित्र विशेष रूप से इसमें कोई अंतर नहीं है। भागवत कथा को ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी जनभाषा में भाषाबद्ध क्रम में सोई, जिससे कि और सरल हो जाए कथा और सहज हो जाए, इसलिए उस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस पड़ गया, रामायण नाम पड़ गया। जैसे रामायण और भागवत में मैं कोई अंतर नहीं मानता हूँ। भागवत कथा और राम कथा, ये दोनों भगवान श्री कृष्ण और राम की ही हैं, और दोनों कथाओं को श्रवण करने से व्यक्ति के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ता है। दूर चला जाता है तो उसकी याद हमेशा हमेशा हमारे लिए आती रहती है, उसकी कमी खलती रहती है कि यार आज हम सब लोग हैं, वो व्यक्ति भी होता। पंडित जी बोले, तुम समझ रही नरक में सुख है क्या? तो उनको पता ही नहीं था कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, इसलिए उन्होंने भोलेपन से कह दिया कि स्वर्ग नरक तो तुम्हें मेरे कथावाचकों के लिए। तो कथा से पता चलता है नरक क्या है, स्वर्ग।